ओ तेरी, हो गई भाई गाड़ी स्टार्ट। काफी सारे और कलर्स भी यहाँ पे हैं जो अपन चूज कर सकते हैं। तो ये टार्जन बनते हुए इसको ये अजय देवगन चलाते थे पहले, तो ये हमने ले ली, इसका कलर हमने व्हाइट कर दिया। तो चैनल पे कब्जा नहीं होने देंगे, चिंता मत करो, कोई और व्लॉगिंग नहीं कर सकता अपने बिहाफ पे। जाकिर का थोड़ा सा पार्ट था, मस्ती कर रहा था, मैंने कहा चलो ऐसे कैसे डाल देते हैं। तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली, मैं एकदम बढ़िया, बहुत ही झकास, और होप आप सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरे साथ में एक BMW की ऐसी कार जो चलती है प्रॉपर रिमोट से, मतलब आप प्रॉपर रिमोट से चला सकते हो विदाउट एनी ड्राइवर, मतलब इसको बना सकते हैं अपन टार्जन कार, है ना, इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। तो गाइस ये रही इसकी की, एंड बिलीव मी की इज सुपर डिफरेंट, बहुत अच्छी की है, काफ़ी बड़ी है ये, देखो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है और बहुत ही अलग सी लग रही है। तो ये अब मैंने इसको स्टार्ट किया, ये हो गई की स्टार्ट, एंड ये मैंने अनलॉक किया। दिस इज़ समथिंग क्रेजी, मतलब बिलीव मी बहुत अलग लग रहा है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे से दिख रही हैं, एंड अब करते हैं कार को स्टार्ट। और रिमोट पे अभी ये पार्किंग मोड आ गया, तो मैंने ये पी दबाया, गाड़ी को अभी ये कनेक्ट कर रहा है, एंड ये हो गई जी कनेक्ट। तो अब चालू करते हैं व्लॉग, एक्टिवेटिंग रिमोट। ओ तेरी, हो गई भाई गाड़ी स्टार्ट। तो आ जाओ थोड़ा सा इधर, अब दिखाते हैं जादू। तो मूव क्लोजर टू द व्हीकल, ये दिखा रहे हैं मेरे को, ये मैं क्लोज आ जाता हूँ। चलो एक काम करते हैं, पीछे से दिखाते हैं। तो पहले दिखा दो भाई ड्राइवर कोई नहीं गाड़ी के अंदर, एक ही शॉट में विदाउट कट किए हुए, आ जाओ। चलो तो कीप प्रेसिंग द एक्टिवेशन बटन, ये हो गई भाई गाड़ी स्टार्ट, लाइटें जल गई कार की, और कार दिखा दो भैया। तो ये रुक गई, और इसको पीछे लेके आते हैं, तो थोड़ा आगे से दिखा दे, चलो जा मैं दिखा रहा हूँ, दिखा दे कार के अंदर फिर से, कोई नहीं है, ले भैया ये पीछे ले लो। एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखो अब इधर आ जा पीछे रिमोट पे देख। तो अब हम यहाँ पे एक जगह पे खड़े हुए हैं, इसमें सेंसर्स भी हैं, गाड़ी भी तो दिखा दो मेरे भाई, कहाँ ले जा रहे हो, गाड़ी दिखाओ, रिमोट दिखाओ, ये लो। तो ये मैंने पीछे लेके आ रहा हूँ, ये आ गई पीछे, और ये देखो अपने आप रुक जाएगी, ये सेंसर्स लगे हुए हैं, और ये रुक गई कार, मतलब अभी मैंने पीछे किया हुआ था, ये रेड आ गया पूरा, ये देखो रिमोट के अंदर कंप्लीटली रेड आ चुका है, और ये कार रुक चुकी है, मतलब इससे पीछे नहीं आएगी। इवन आगे भी लेके चलते हैं, तो आगे भी इसके अंदर सेंसर्स हैं, और जैसे ही आगे कुछ भी आएगा तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ऑल दो वैसे मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, बट स्टिल देखते हैं। जान मोल आगे जाके खड़ा हो जा, जा आगे जाके खड़ा हो, आगे शीशा लगा हुआ, हाँ कोई बात नहीं, खड़ा हो जा, चिंता मत कर, चढ़ाएंगे नहीं हम तेरे को। अनमोल को टेंशन हो गई भाई। ये भाई ये लो, ये रुक गई, तो ये आ गया रेड, ये देखो ये रेड आ गया, और ये रुक चुकी है कार, बच गया। तो ये मैंने रिमोट छोड़ा और इंजन स्टॉप, ये हो गई कार बंद। ओ वाह क्या बात है, तो दिस इज द रिमोट, बिल्कुल मतलब फ्यूचरिस्टिक रिमोट। हाँ भाई, तो कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? बहुत अमेजिंग, डिफरेंट, कौन सी, बहुत अच्छा, किसी को डराने के लिए ठीक चीज है वैसे, मतलब मेरे रात में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रात में वाकई में ये गाड़ी खड़ी कर दो कहीं पे अंधेरे में खड़ी करके ऐसे चला देना, हर कोई डर जाएगा। हाँ डर जाएगा लिटरली, कोई भी नहीं होगा कार के अंदर, डर जाएगा। तो कार दिखती है कुछ ऐसी, फ्रंट से बहुत ही अमेजिंग लुक्स, 520D डीजल वेरियंट, लाइट्स बहुत ही स्पेशल, किडनी ग्रिल्स,
एंड आई रियली लव द कार. वैसे भी 5 सीरीज बहुत ही अल्टीमेट होती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स और चलाने में तो अमेजिंग कार. तो इंटीरियर की बात करें तो ये देखो कितना अमेजिंग इंटीरियर है यार इस कार का. तो क्या बोलूँ यार मैं, तो ऑल डिजिटल, डिजिटल मीटर एंड सब कुछ डिजिटल हो चुका है अब तो इस कार में. ये देखो मीटर भी ऑल डिजिटल आ चुके हैं एंड यहाँ पे स्क्रीन पूरा ये मीटर डिजिटल. देन यहाँ पे इसके अंदर मोड्स भी होते हैं, 3 ड्राइविंग मोड्स. कंप्लीट ब्राउन कलर की नापा लेदर की सीट्स. आई रियली लव द इंटीरियर. इंटीरियर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना एंड इसकी ड्राइव पे कभी लेके चलेंगे बाद में क्योंकि आज मन नहीं कर रहा ड्राइव करने का कार को. तो सब ठीक लगा तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को एंड चलते हैं कुछ और कवर कर लेते हैं थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल, मतलब डेली लाइफ अपनी, उसके बाद फिर एंड कर देंगे वीडियो. Meanwhile, तो मैं आ गया हूँ एक्चुअली ऑटोमार्क पे, मतलब ऑटोमार्क शोरूम पे. और आज कुछ होने वाला है स्पेशल. स्पेशल मतलब कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए ना लाइफ में, मतलब इंटरेस्टिंग, कुछ डिफरेंट. तो डिफरेंट एक तो अपनी कार में लग रही है फिल्म, क्योंकि अपनी कार एक्चुअली अंदर से है पूरी बेज. और मैं बेज इंटीरियर को ब्लैक नहीं कराना चाहता. ब्लैक में क्या है, मतलब मेरे को पर्सनली ना ब्लैक ज़्यादा कोई पसंद नहीं है. प्लानिंग चल रही है कुछ ना कुछ, शायद या तो गाड़ी चेंज करेंगे या फिर इसी को और अपग्रेड करते चले जाएंगे. तो इसमें अभी अपग्रेड्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, अभी भी अपग्रेड कंटिन्यूसली चालू हैं. तो एक अपग्रेड और हो सकता है शायद, डिपेंड करता है. वैसे तो अपनी कार कैसे लगती है एक बार दिखा देता हूँ प्रॉपरली. तो अपनी वायरस दिखती है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी, बहुत अल्टीमेट एंड बहुत ही आई कैची. तो आई कैची और करने के लिए कुछ यहाँ पे अभी खिचड़ी पक रही है. तो ये सारी खिचड़ी देख लो, ये खिचड़ी बहुत डिफरेंट है जो मैंने कुछ स्पेशल अरेंज की है. सो दिस इज़ अ डिफरेंट रेनबो कलर, ये तो बहुत ही गजब का लग रहा है. एंड देन एक और ये गोल्डन रेनबो, तो ये भी एक्चुअली गोल्डन है और रेनबो है. उसके बाद एक ये रेड, तो इसमें भी रेनबो शेड आता है. ये देखो शेड आ रहा है, तो ये रेनबो शेड आएगा. प्लस काफ़ी सारे और कलर्स भी यहाँ पे हैं जो अपन चूज़ कर सकते हैं. तो इनमें से अगर कोई कलर आपको लगता है कि मुझे चूज़ करना चाहिए तो मुझे बता देना कि एक्चुअली अपनी वायरल पे कौन सा कलर करना चाहिए. प्लस इस पे अभी लग रही है फिल्म, तो 50% फिल्म, जिसमें पुलिस वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आ जाएगा और कार की फ़ोटोग्राफ्स थोड़ी सी और बेटर आ जाएंगी. तो कौन सा कलर इसमें से आपको लगा गज़ब का, मेरे दिमाग में जो कलर्स हैं वो बता रहा हूँ. एक ये वाला जिसमें सिल्वर और रेनबो इफेक्ट है, और एक अपन येलो के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए ये गोल्डन कर लें विद रेनबो इफेक्ट. तो कौन सा लग रहा है सही लग रहा है कुछ? तो रेड अपन नहीं जाएंगे क्योंकि रेड ऑलरेडी अपनी वायरल है. तो वायरस को रखेंगे कुछ डिफरेंट कलर में और कुछ ना कुछ इसके साथ खेल लेते हैं. तो लेट्स सी, अभी तक प्लानिंग में ही है, दिमाग में है मेरे. ये मैंने स्पेशल रैप के जो सैंपल्स हैं मंगवाए हैं कहीं से. अब इसके ऊपर या तो पीलेबल पेंट करेंगे या रैप करेंगे, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है अभी भी. तो लेट्स सी क्या फिजिबल रहता है और कौन सा कलर किस चीज़ में बेटर खिल के आएगा, वो उस हिसाब से सोचेंगे एंड उसके बाद कुछ ना कुछ तो करेंगे. गाड़ी आ गई है ऑटोमार्क पे और अपन आ गए ऑटोमार्क पे, तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकनी ही चाहिए. और स्पॉइलर ऑलरेडी आपने वीडियो देख ही लिया होगा कि अपन ने लगा दिया एक लैम्बो का स्पॉइलर इसके ऊपर. तो दिस इज़ अ लैम्बोर्गिनी स्पॉइलर ये वाला. इसका वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, चेक इट आउट. बहुत अल्टीमेट स्पॉइलर है, ऑल कार्बन फाइबर, अ डिफरेंट थिंग जो अपन ने BMW पे ट्राई की. तो गाइज मैं आ गया हूँ शोरूम. कार थोड़ी सी गंदी लग रही थी मुझे, मैंने कहा चलो साफ करा लेते हैं. और यहाँ पे खड़ी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल Audi S5, ब्यूटीफुल कार. मतलब इतनी अमेजिंग ड्राइव क्वालिटी है ना इसकी कि मतलब चला के ही मजा आ गया था मुझे. व्लॉग नहीं देखा तो देख लेना. मिनी कूपर, एक और मिनी कूपर, और वहाँ पे एक और मिनी कूपर. कहाँ है भाई? गोरी एग्जैक्टली वहाँ पे एक और मिनी कूपर. तो ऐसे ही चलता रहता है कुछ शोरूम पे. और ये खड़ी अपनी वाली GLS. ओह आई लव दिस कार, सीरियसली आई एम इन लव विद दिस. एंड है ये एंड, मतलब इतनी बोल्ड, मतलब सुपर बोल्ड ना, बिल्कुल अलग लगती है. मतलब इतनी ह्यूज है ये, कितनी ह्यूज है ये. ओह माय गॉड दिस इज ह्यूज, बट दिस इज अमेजिंग, यू नो वेरी डिफरेंट. एंड आई लव द शेप ऑफ दिस कार. दिस इज CLA 200. इसका एक वर्जन आता है CLA 45 AMG, जो मुझे पर्टिकुलरली या पर्सनली अगर बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है. मतलब सुपर डुपर पसंद है मुझे, बिल्कुल एक नंबर लगती है. और चलाने में तो
तो यार मैं पहुंच गया हूँ बेसमेंट में, और बेसमेंट में आते ही देखो तीन तीन रेंज रोवर स्पोर्ट्स, वैसे ना एक भी देखने को नहीं मिलती, और तीन तीन खड़ी है, एक वाइट, एक ब्लैक और एक काइंड ऑफ मेरून कलर, वैसे रेड मेरून कुछ भी कह सकते हैं। हर कार में इस कलर टोन को ना अलग अलग नाम से कहा जाता है, एक बार अंदर से दिखाने तो बनती है। तो यार ओहो, दिस इज लुकिंग लाइक यू नो ब्लैक ब्यूटी, इसका कलर बहुत सुंदर लग रहा है, बट अपन इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये आ गए अपन कार के अंदर। ओह आई रियली लाइक दो स्पीकर्स, काफ़ी बड़े बड़े दो स्पीकर लगे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक ट्विटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है, एंड कार का इंटीरियर तो सुपर ऑसम, आई रियली लाइक द इंटीरियर। और सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, वो आजकल नई वाली जितनी भी रेंज रोवर आ गई हैं उनमें आ गया है कि ये भी कंप्लीट टच पैनल होता है। ये देखो ये कंप्लीट टच पैनल व्हीकल, और यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स भी यहीं पे ही आ जाते हैं, प्लस ये वाली स्क्रीन टिल्ट होती है जैसे ही अपन बटन दबाते हैं। तो अभी की मिसिंग है, की रखी हुई है वहाँ पे कहीं पे सामने, एंड ये भी कंप्लीट टच विद ऑल वर्किंग थिंग्स। गियर नॉब कंप्लीट रेंज रोवर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें चेंज हो चुके हैं, ऐसे आ गए। पहले पॉपअप गियर आता था जो काफ़ी फेमस था, बट अब सारी कार्स में गियर ऐसा आ चुका है। यहाँ पे ये ड्राइविंग मोड्स भी हैं, तो इसको ये नीचे दबा दो तो ड्राइविंग मोड ऑफ हो जाता है, एंड ऊपर करके उसके बाद जैसे ही चेंज करेंगे तो ड्राइविंग मोड्स भी आ जाएंगे। गाइस आज का दिन रहा कुछ ऐसा, मतलब भागते दौड़ते, पहले मैं गया वर्कशॉप, उसके बाद मैं गया ऑटोमार्क शोरूम, और अब भी आ गया हूँ ऑटो बेस्ट। तो पूरा दिन ना मेरा ऐसे ही निकलता है घूमते घुमाते। तो हर बार एक ही बात कहता हूँ जो लोगों को बहुत थोड़ी सी और कम समझ में आती है, वो ये है कि अगर लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो और कुछ बनना चाहते हो तो भाई काम करने से ना तो डरो और ना ही सोचो कि कितना काम होगा और कैसे होगा। मतलब काम ना सारे हो जाते हैं, अपनी बॉडी की अगर आपकी कैपेबिलिटी है 4 घंटे काम करने की तो उसको 5 करो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है 10 घंटे काम करने की तो 11 घंटे काम करो। अगर आप ये करते रहोगे और थोड़ा सा स्मार्टली करोगे तो लाइफ में अचीवमेंट ज़रूर होगा कभी ना कभी। तो इसी अच्छे नोट पे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।